माउंट आबू में हाल ही में संपन्न जल जुमली और बाबा रामदेव महोत्सव का आयोजन पर्यटकों के लिए एक शानदार अनुभव साबित हुआ। इस आयोजन के तहत मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि देखने में बहुत ही आकर्षक लग रही थी। जल जुमली का महोत्सव बिहारी जी मंदिर में शुरू हुआ, जिसमें 11 के दिन शोभा यात्रा के दौरान मंदिरों के डोले निकाले गए। वहीं इस शोभा यात्रा में माउंट आबू के प्रमुख मंदिरों जैसे चैंपेश्वर महादेव, धड़ाधड़ महादेव, दुलेश्वर महादेव और राम सर्वेश्वर रघुनाथ मंदिर के चांदी के रथ पर भगवान राम और कृष्ण की सवारी की गई। वहीं बाबा रामदेव महोत्सव का आयोजन वाल्मीकि समाज के तत्वाधान में किया गया, जिसमें शोभा यात्रा विशेष वेशभूषा में नृत्य करते कलाकारों के साथ निकाली गई। यह शोभा यात्रा भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। देर रात को आरती के साथ इस समारोह का समापन हुआ, जिससे एक दिव्य और भव्य वातावरण का अनुभव हुआ। इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजनों ने माउंट आबू की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखा और पर्यटकों के लिए एक यादगार अनुभव प्रस्तुत किया। इस प्रकार से माउंट आबू को अर्धद्वारिका कहा जाता है और कहीं न कहीं आज जिस प्रकार से उत्साह है, डोले निकल रहे हैं माउंट आबू में भगवान कृष्ण के जो है धराधरेश्वर महादेव मंदिर से, तो क्या कहना चाहते हैं आप कि किस प्रकार की परंपरा रही है माउंट आबू की? माउंट आबू एक ऋषि मुनियों की तपोभूमि है और यहाँ पर ऋषि मुनियों ने सभी प्रकार के हिंदुत्व पर्व को मनाया, सनातन धर्म के पर्व को मनाया है। उसमें से जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म अवतरण होता है और आज जलवा पूजन के लिए हम लोग नक्की को प्रस्थान कर रहे हैं। आम जनता में, पर्यटन में, सब में खुशी का माहौल बना हुआ है और भगवान गोविंद, श्री कृष्ण, चंद सबका भला करें। और यही कहा गया है कि ये चतुराई में सबसे आगे का देवता है, सर्वप्रथम देवता है। माउंट आबू से अनिल एरन की रिपोर्ट।